हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक नए और अमेजिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पावर सप्लाई, और इस पावर सप्लाई से आप 5 वोल्ट, 10 वोल्ट और 15 वोल्ट तक ले सकते हैं। और ये बना है सिर्फ मोबाइल चार्जर से। जो मोबाइल चार्जर आप अपने फोन को चार्ज करने में यूज करते हैं, ये उसी से बना हुआ है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और ये कैसा होने वाला है। तो ये है वो पावर सप्लाई जिसे आप देख सकते हैं। इससे आप 15 वोल्ट तक ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि एक फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर एक हैवी मोटर है वो चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एलईडी स्ट्रिप जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही ब्राइट जल रही है। तो इसके पावर का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि इस पर तीन चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार के ट्रांसफार्मर या फिर एडाप्टर का यूज़ नहीं हुआ है। इसमें लगा हुआ है सिर्फ पुराने मोबाइल का चार्जर के जो किट होते हैं वो लगे हुए हैं इसके अंदर। तो देखा आपने, इसमें दो एलईडी स्ट्रिप, एक मोटर जो कि हैवी मोटर है और एक फोन चार्ज हो रहा है, फिर भी ये बहुत ही आसानी से बहुत ही प्रॉपरली काम कर रहा है और इस पे कोई भी बहुत ज्यादा लोड अभी भी नहीं है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आप इसे कैसे बनाएंगे, कौन कौन से चीजें यूज होंगी। मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज की है जो कि आपको आसानी से न मिले, और इस चैनल पे बहुत ही कमी चीजें ऐसी यूज होती हैं जो कि आपको मार्केट से लेना पड़े या फिर आपको आसानी से न मिले। तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो का एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। मैंने वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन से वायर आपको कहाँ जोड़ने हैं, सारे कनेक्शन अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए इसे अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलिए इसे अब बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे मोबाइल चार्जर। ये मोबाइल चार्जर सबसे इम्पॉर्टेंट है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पुराने मोबाइल चार्जरों का जुगाड़ किया है। ये चारों मोबाइल चार्जर ठीक हैं, लेकिन अब इससे फ़ोन चार्ज नहीं होता है। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। आई होप कि आपके पास पड़ा होगा। तो चलिए यहाँ पर तीन मोबाइल चार्जर ले लेते हैं और तीनों को ही खोल कर इसमें से इसकी पीसीबी निकाल लेते हैं। तो इन तीनों चार्जरों को मैंने खोल लिया है। अब चलिए यहाँ पर इन तीनों के पीसीबी जो है वो निकाल लेते हैं। और जो पीसीबी है उसको निकालने के बाद इन तीनों का पीसीबी एक एक करके हम अलग कर लेंगे, और पीसीबी का जो एसी वायर और डीसी वायर दोनों को हमें छुड़ाना होगा। यानी कि अभी पीसीबी पर कोई वायर नहीं होगा। जो हमारा चार्ज होने के लिए जा रहा है उसको भी निकालना होगा, और जिससे ये कनेक्ट है पहले से एसी के लिए उसको भी निकालना होगा। तो चलिए चार्जर के तीनों सर्किट में से हम डीसी वायर जो कि चार्ज होने के लिए जाता था उसको निकाल लेते हैं। तो दो के तो निकल चुके हैं, लेकिन एक पर जो है वो सोल्ड किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो सोल्डरिंग है उसको हम छुड़ा लेंगे, और सोल्डरिंग छुड़ाते हैं ये भी एकदम परफेक्टली निकल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको जो है डिसोल्डरिंग कर ले रहा हूँ और ये निकल चुका। तो इन तीनों सर्किट्स को उसके एडाप्टर से अलग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हम दो दो वायर कनेक्ट करेंगे, दो एसी के लिए दो डीसी के लिए। तो पहले एसी के लिए वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, और जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इन तीनों में एसी वायर यानी कि अल्टरनेटिव करेंट का वायर कनेक्ट होगा, जो कि सीधा ही हमारे बोर्ड में कनेक्ट होगा जहाँ पर 220 वोल्ट एसी आ रहा है। तो चलिए इन तीनों पर दो दो वायर 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करेंट के लिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले एक सर्किट को लेते हैं और इसे हम फंसा देते हैं इस क्रोकोडाइल क्लैंप में, और इसके बाद हम इस पर वायर कनेक्ट करते हैं। तो दो थोड़े से मोटे वायर, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटे नहीं और बहुत ज़्यादा पतले नहीं, यहाँ पर मीडियम साइज़ का दो वायर होगा जिससे कि हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं, और उसके बाद इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं। आपको दोनों वायर को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेना है, जैसा जितना बड़ा मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए दूसरा सर्किट लेते हैं, और दूसरे सर्किट में भी सेम उसी तरह दोनों वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे सर्किट के लिए भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी दो दो वायर कनेक्ट करने हैं अल्टरनेटिव करेंट 220 वोल्ट के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों पर दो दो वायर अल्टरनेटिव करंट के लिए दो दो वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब इस पे डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए दो दो वायर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की पोलरिटी का ध्यान रखते हुए दो वायर कनेक्ट कर देते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए। तो जब आप चार्जर की सर्किट को खोलेंगे तो जो वायर निकलकर हमारे मोबाइल चार्जर होने के लिए जा रहा था, जहाँ से आप उस वायर को डिसकनेक्ट करेंगे वहीं पर इन दोनों वायर को कनेक्ट करना है। जैसा कि मैंने दो वायर कनेक्ट कर लिया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का। यहाँ पर आपको पोलरिटी का ध्यान यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप उल्टा नहीं कर सकते।
तो जब आप इस सर्किट को चार्जर में से निकालें तो उसी समय देख लें कि कहां से इसमें एसी करंट जा रहा है और कहां से ये डीसी करंट आउटपुट दे रहा है, तो वो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें फिर कनेक्ट करने में। तो चलिए, जैसा कि हमने पहले सर्किट में डीसी वायर के लिए कनेक्ट किया था दो वायर, उसी तरह आगे के दोनों सर्किट में भी कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को हम फिर से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आगे के दोनों सर्किट में भी हम डीसी करंट आउटपुट 5 वोल्ट के लिए दो वायर, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों आगे के सर्किट पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाने के बाद मैं आपको तीनों सर्किट को दिखाता हूँ। ये बहुत ही आसान है, तीनों पे सिर्फ 220 वोल्ट इनपुट जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे दो दो वायर कनेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ से आउटपुट 5 वोल्ट डीसी लिया जा रहा है वहाँ पे दो दो वायर कनेक्ट करना है। तो इसके बाद इन तीनों सर्किट्स को फिक्स करने के लिए हम एक MDF बोर्ड का बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमेंशन 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ का लेंगे। चलिए इसको काट लेते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने काट लिया है, पूरे 6 टुकड़े होंगे क्योंकि ये कीबोर्ड के शेप में बनेगा, तो इसके 6 फेसेस होंगे। तो इसको मैं अब फेविकोल से चिपका दूंगा और चिपका कर एक बॉक्स बना लूंगा। चलिए एक एक करके इसके 6 टुकड़े को चिपकाते हैं और चिपका कर एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो बॉक्स है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसमें कुछ गैप भी आप देख सकते हैं। इस गैप में क्या क्या लगाना है आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने पीछे एक छेद किया है क्योंकि उसमें से वायर ले जाने हैं। चलिए इसको ले चलते हैं और यहाँ पर इस पर एक एक करके फिक्स करना शुरू करते हैं। तो इस बॉक्स में सबसे पहली चीज़ जो फिक्स करेंगे वो है ये तीनों सर्किट, जिस पर कि हमने अभी अभी डीसी और एसी के लिए जो वायर है उसको कनेक्ट किया है। तो इसे हम डबल साइडेड टेप की मदद से चिपकाएंगे, आप चाहो तो ग्लू की हेल्प से भी चिपका सकते हो। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके इस बॉक्स में चिपका लेते हैं। तो इन तीनों को ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देकर आपको इस बॉक्स में चिपका लेना है, जैसा कि मैं चिपका रहा हूँ। तो जब तक मैं इन तीनों सर्किट्स को इस बॉक्स में फिक्स कर रहा हूँ, तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो ये तीनों सर्किट इस बॉक्स में फिक्स हो चुके हैं, अब इनके वायर कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम एसी वायर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जहाँ से इसको इनपुट 220 वोल्ट दिया जाएगा उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ब्लैक और 3 वाइट वायर हैं, तो तीनों ब्लैक वायर को, तीनों में से एक एक वायर को हम लेकर यहाँ पर एक साथ कर लेंगे, और उसके बाद भी यहाँ पर 3 वायर बचेंगे जो कि सफ़ेद होंगे। इन तीनों वायर को लेकर हम एक साथ कर लेंगे, यानी कि तीनों में से एक एक वायर लेकर एक साथ कर लेंगे और दोबारा फिर से तीनों में से एक एक वायर लेकर एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर दो हमें कॉमन वायर मिल गए, यानी कि इन दोनों पर ही एसी वायर कनेक्ट करते ही तीनों में जो है पावर चला जाएगा। तो इसके लिए हमें एक और वायर की ज़रूरत है जिससे कि हम इन दोनों या फिर तीनों सर्किट को एक साथ पावर दे सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लग लगा हुआ वायर है, ये थोड़ा सा मोटा वायर है ताकि यहाँ से 220 वोल्ट करेंट जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मोटा वायर यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पीछे मैंने एक छेद बना रखा है और इसमें से इनको अंदर डाल देते हैं और जो वायर है उस पर एक छोटा सा गांठ दे देंगे ताकि ये जो वायर है ऊपर से खींच ना पाए। तो चलिए इनको, इसको हम एक गांठ दे देते हैं ताकि पीछे से ये खींच ना पाए। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो हमने सर्किट में से तीन तीन वायर कॉमन निकाल रखे थे, अभी अभी जो हमने वायर अंदर डाला उस पर कनेक्ट कर देते हैं एक एक वायर करके, तो ताकि इन तीनों में ही जो पावर है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इस वायर के कनेक्ट होने के बाद जब हम इस प्लग को लगाएंगे किसी भी बोर्ड में तो जो पावर है वो तीनों में समान रूप से चला जाएगा। तो चलिए इसको हम टेप से चिपका देते हैं ताकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा न रहे। तो एक एक करके दोनों वायर को हम यहाँ पर टेप से चिपका देंगे। तो चलिए हम इसे पावर में प्लग इन करते हैं और चेक करते हैं कि ये तीनों सर्किट जो है वो ठीक तरह से हमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं आप, जो पहला सर्किट है उसमें से 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये ठीक है, और दूसरे सर्किट में भी से भी जो 5 वोल्ट है वो डीसी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे सर्किट से भी मिल रहा है, यानी कि तीनों सर्किट जो है ठीक है। तो यहाँ तो हमने इन तीनों सर्किट को चेक कर लिया और ये जो है अच्छे से वोल्टेज जो है दे रहा है। तो अब इसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यानी तीनों जो सर्किट है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, पहले वाले का जो पॉजिटिव है उसको हम दूसरे वाले सर्किट के नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करके उस पर सोल्ड कर दे रहे हैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है, अब हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। तो दूसरे वाले सर्किट का एक पॉजिटिव वायर बचा है, उसको हम कनेक्ट करेंगे तीसरे वाले सर्किट के नेगेटिव वायर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दूसरे वाले का जो पॉजिटिव वायर बचा था उसको कनेक्ट किया हूँ तीसरे वाले के नेगेटिव वायर से, और इसको कनेक्ट होने के बाद हम इसको सोल्ड कर देंगे ताकि ये खुले ना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा तीनों सर्किट है बस इस दो वायर को कनेक्ट करने से सीरीज में जो है कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे एक स्पीकर कनेक्टर टर्मिनल के मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्पीकर कनेक्टर टर्मिनल आप इसे कहीं से निकाल भी सकते हो या फिर ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इसी पर हम सर्किट के जितने भी डीसी वायर है कनेक्ट करेंगे। तो इसका जो पहला टर्मिनल है उस पर हम कनेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले सर्किट से आ रहे नेगेटिव वायर को, और यहाँ पर दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे जो वायर कनेक्ट है हमारा पहले सर्किट और दूसरे सर्किट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ कनेक्ट है उसको हम दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, और दूसरे और तीसरे का पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट है उसको हम कनेक्ट करेंगे इसके तीसरे वाले टर्मिनल पे, और चौथे वाले जो टर्मिनल है उस पर हम कनेक्ट करेंगे जो एक वायर जो है अलग से बच गया था तीसरे वाले सर्किट में उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये जो तीनों सर्किट है वो सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 8वीं 9वीं 10वीं में एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि किसी भी डीसी सोर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। सिंपली उसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए इस कनेक्टर को हम अब इस एमडीएफ बोर्ड में फिक्स कर देते हैं जैसा कि मैंने पहले से ही गैप बना रखा था। तो चलिए यहाँ पर हम दो स्क्रू लेते हैं और इन दोनों स्क्रू की मदद से जो स्पीकर टर्मिनल कनेक्टर है उसको हम इस पर फिक्स कर देते हैं। तो इसके कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम लेंगे एक फीमेल यूएसबी जैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीमेल यूएसबी जैक है और ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें चार पिन है, तो पहला और जो लास्ट पिन है वो आप जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ इसको अगर पलट के लगाएं तो फर्स्ट पिन जो होगा वो पॉजिटिव होगा और सबसे लास्ट पिन जो होगा वो होगा नेगेटिव। बाकी के दो पिन जो होते हैं वो डाटा ट्रांसफर के लिए होते हैं। इस यूएसबी फीमेल पोर्ट को इसमें फिक्स हो जाने के बाद हम दो वायर लेंगे और फर्स्ट वायर जो है इसके फर्स्ट पिन पे कनेक्ट करेंगे। चलिए इस पे कनेक्ट कर देते हैं जो कि पॉजिटिव के लिए होगा। तो एक रेड वायर जो मैं इसके फर्स्ट पिन पे कनेक्ट कर रहा हूं और इसे कनेक्ट करूंगा मैं दूसरे वाले टर्मिनल पे जहां से यहां पर हमारा फर्स्ट वाला जो सर्किट है उसका पॉजिटिव आ रहा है वहां पे, और जो इसका लास्ट जो पिन होगा उसको मैं एक नेगेटिव वायर से कनेक्ट करूंगा और उसको कनेक्ट कर दूंगा सबसे फर्स्ट वाले टर्मिनल पे। ये जो हमारा स्पीकर टर्मिनल कनेक्टर है उसके फर्स्ट वाले टर्मिनल पे जहां से हमें 5 वोल्ट मिलेगा सीधा सीधा उसको इससे कनेक्ट कर देना है। सो फाइनली दोस्तों इसका जो पूरा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो मैंने आपको एक एक स्टेप एक एक वायर को एक्सप्लेन किया कि आप कैसे इसे कनेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं, और जो हमने सोचा था जैसे जैसे वोल्टेज चाहा था वो मिल रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट प्रोब जो है वो नेगेटिव पर रखते हैं, वो कॉमन है हर जगह के लिए। तो फर्स्ट को जो है नेगेटिव पर और सेकंड को पॉजिटिव पर रखने के लिए यानी कि दूसरे टर्मिनल पर रखने पर 5 वोल्ट दे रहा है, और इसके तीसरे टर्मिनल पर रखने पर आप देख रहे हैं कि 10 वोल्ट दे रहा है, और चौथे टर्मिनल पर रखने पर यहाँ पर 15 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पर यूएसबी फीमेल पोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट प्रॉपरली जा रहा है। तो जो जो हमने सोचा था जैसे जैसे वोल्टेज लेना चाहा था यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मिल रहा है। यहाँ पर जो फीमेल पोर्ट है हमारा वो जब आप कोई भी फोन चार्ज लगाएंगे तो खींचेंगे या फिर लगाएंगे तो ये निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर ग्लू लगा देता हूँ मैं। तो आपने देखा कि ये कितनी अच्छी तरीके से बन गया। अब इसको मैं ऊपर से ढक दूंगा जो टुकड़ा जो छठवां टुकड़ा था ऊपर से ढकने के लिए। तो चलिए इसको फेविकोल लगा देते हैं और इसको ढक लेते हैं, और इसके सूखने के बाद हम इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे और इससे कुछ चला के दिखाएंगे आपको कि ये कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल और ये सक्सेसफुल है। तो ये जो पावर सप्लाई है ये बनकर और सूख कर तैयार हो चुका है। तो अब इसके पावर को चेक करने की बारी है। तो इसके पावर को चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये डीसी मोटर है इसको चलाएंगे इस पर। तो फर्स्ट जो पिन है इसकी वो नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। चलिए इस मोटर का पहले एक वायर जो है वो नेगेटिव वाले में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव वाले में कनेक्ट हो चुका है, और इसमें जो कनेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट करते ही जो मोटर है वो चलने लगा। तो 5 वोल्ट पर जो मोटर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 वोल्ट मिलेगा। चलिए इसके बाद जो है 10 वोल्ट मिलेगा वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं मोटर जो है कितनी तेज़ी से चलने लगा जैसा कि आप
देख सकते हैं मोटर जो है कितनी तेजी से चलने लगा या इसको 10 वोल्ट देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो इसका तीसरा वाला यानी कि चौथा वाला जो टर्मिनल है उस पर जो है आपको 15 वोल्ट मिलेगा। देख सकते हैं मोटर जो है अब जो है ये छोटी सी जो है टेप लपेटा हुआ है उससे मुझे हवा लग रहा है, यानी कि मोटर जो है बहुत ही तेज चल रहा है। आप इसकी आवाज़ सुनकर इसके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए इस मोटर के बाद ये एलईडी स्ट्रिप है, ये जो एलईडी स्ट्रिप है 12 12 वोल्ट की दो एलईडी स्ट्रिप है, इसको हम इस पर लगा कर देखते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट जलता है। तो इसको पहले हम 5 वोल्ट में लगाएंगे, तो 5 वोल्ट में ये नहीं जलेगा क्योंकि ये 12 वोल्ट से ही चलता है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और इसको जो है हम 10 वोल्ट के लगभग वाले में लगाते हैं, तो दोनों को एक साथ कनेक्ट करके लगाएंगे। चलिए आगे लगाते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जो 10 वोल्ट में लगाते हैं ये जो एलईडी स्ट्रिप है वो जलने लगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और 15 वोल्ट वाले में लगाते हैं। हालांकि ये 15 वोल्ट वाले में ज़्यादा देर तक चलेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन अब निकाल देते हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक चलेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें एक साथ ही हम सब कुछ कनेक्ट करते हैं, यानी कि एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है और इसमें हम अब ये जो मोटर है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए मोटर और एलईडी स्ट्रिप भी एक साथ जल रही है। चलिए अब इससे हम एक फ़ोन चार्ज करके भी देख लेते हैं। तो चलिए इसके फीमेल यूएसबी पोर्ट में हम एक डाटा केबल लगाते हैं और उस डाटा केबल्स की मदद से फ़ोन को भी चार्ज लगाते हैं। चलिए इस फ़ोन को अब चार्ज करके देख, तो ये जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखाने का अगर कोशिश करूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ग्रीन और चार्जिंग का सिंबल जो है बना हुआ है, यानी कि ये फ़ोन भी अब चार्ज हो रहा है। तो ये पावर सप्लाई कितना ज़्यादा पावरफुल है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को इस पर कनेक्ट कर रखा हूँ, फिर भी ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं, प्रॉपरली काम कर रही हैं। तो देख सकते हैं ये मोटर जो है इतना तेज चल रहा है कि मेरे हाथ से बार बार छटक जा रहा है। ये मैंने अंधेरा किया था ताकि आपको एलईडी स्ट्रिप की जो रोशनी है वो दिखा सकूँ। तो आई होप कि आपको इसका पूरा कनेक्शन जो है समझ में आया होगा। तो मैंने आपको पूरा एक एक स्टेप एक एक कनेक्शन एक एक्सप्लेन किया और इसकी टेस्टिंग भी दिखाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।